मायावती ने आज बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को पार्टी से बाहर कर दिया है। उनका आरोप है कि बहन जी से 9,22,00,000 रुपए हर विधानसभा के हिसाब से मांगे गए थे। सरोज ने कहा कि पैसे के चक्कर में मायावती और बीएसपी बर्बाद हो जाएगी। तो इल्जाम यह लगाया गया कि बहन जी ने उनसे 9 से 22 लाख रुपए हर विधानसभा के हिसाब से मांगे थे और सरोज का यह भी कहना है कि पैसे के चक्कर में मायावती और बीएसपी बर्बाद हो जाएगी। जो कुछ देर पहले तक बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव थे, किसी बात पे बात खराब हो गई, पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं। क्या सरोज जी सही कह रहा हूँ? बात खराब कैसे हो गई है? देखिए, सुश्री मायावती जी ने 8 जुलाई को पूरे प्रदेश के लोगों की लखनऊ में बैठक बुलाई थी। उसमें जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, मंडल के इंचार्ज, जोन के इंचार्ज, सभी वरिष्ठ लोग भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में पैसे की जरूरत है और उन्होंने ये कहा कि जो चुनाव जीते हैं या हारे हैं सभी विधानसभा क्षेत्र से मुझे 9 लाख से लेकर के 22 लाख तक प्रति विधानसभा से चाहिए जो है। और मतलब एक विधानसभा क्षेत्र से 9 से 22 लाख और यूपी में 403 विधानसभा ये है। ये चुनाव हारने के बाद की बात है, 8 जुलाई की बात कह रहा हूँ ना मैं आपसे। चूंकि मैं भी चुनाव लड़ा था 2017 का, भी हारा था। जब मैं 4 बार लगातार विधायक रहा, 5वीं बार मैं हार गया चुनाव, मुझसे भी मांग की गई, तो मैंने बहन जी से भी इस बात को कहा था अकेले में कि मैं अब भविष्य में चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना पैसे मैं दे पाऊंगा। जो तो यहाँ जोन के इंचार्ज लोगों ने मीटिंग किया इलाहाबाद में, उन्होंने कहा कि आप अपने विधानसभा को पैसे जमा करिए। तो मैंने कहा ना मैं चुनाव लड़ूंगा ना पैसा दूंगा जो है। तो उन लोगों ने अवगत कराया ऊपर। जब अवगत कराया तो वो कल 5 बजे मेरे पास फोन की, कहीं कि क्यों भाई तुमने ऐसी बात कही है? तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो आपसे भी कह चुका हूँ अब मैं नहीं कर पाऊंगा जो इस काम को, तो मैं संगठन में काम करूंगा। तो उन्होंने कहा संगठन में भी आपको काम करने की जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हें सारे पदों से हटा रही हूं और तुम्हें अब पार्टी में काम करने की जरूरत नहीं, सीधे घर में बैठो, कहीं दिखाई मत पड़ना जो है, प्रदेश कार्यालय या कहीं भी जो है। ये पैसे की मांग तो पहले भी होती रही होगी ना आप लोगों से, कोई पहली बार तो हुई नहीं होगी। देखिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोग तो इस इंतजार में थे कि शायद मायावती जी को कभी सद्बुद्धि आ जाएगी, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों से टिकट में उन्होंने पैसा लिया चेयरमैन। तो इंद्रजीत सरोज ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और आपको याद होगा कुछ महीनों पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कुछ ऐसे ही संगीन आरोप मायावती पर लगाए थे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।